रामचरित मनस पर लगातार नेता सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह हैं। सर, रामचरित मनस पर जिस तरह से मंत्री सवाल उठा रहे हैं कुछ दोहे को लेकर, लगता है कि बिहार में एक बार फिर मंडल और कमंडल की रणनीति होने वाली है, इसी को जो है करने की कोशिश की जा रही है। दुर्भाग्य है कि इस तरह के नेता समाज में आ रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा आदर्श खड़ा करने वाला व्यक्तित्व, उसके चरित्र पर लोग उंगली उठा रहा है। एक दोहा के लेके जो समुद्र ने अपनी गलती कहते हुए बोला है, राम ने नहीं बोला है, राम परिवार ने नहीं बोला है, समुद्र ने कहा था कि जो चौपाई का उदाहरण देते हैं गरीबों के नाम से। लेकिन उनसे एक प्रश्न और मैं पूछता हूँ कि राम ने जूठा सेवरी का बर खाया, उसका उल्लेख क्यों नहीं करते हैं? निषाद राज अछूत थे, उनको भरतसम भाई कहा, उसको क्यों नहीं लेके चलते हैं आप? उसका उदाहरण समाज में क्यों नहीं देते हैं आप? धोबी के कहने से, धोबी के लांछन से पत्नी का त्याग करना, ही चरित्र का उदाहरण क्यों नहीं देते आप? इसका मतलब है कि भोजपुरी में एक चपाट शब्द होता है, उस तरह के बुद्धि रखने वाले ही इस तरह की बात करते हैं। लगता है कि शिक्षा मंत्री रामचरित मनस की गलत व्याख्या कर रहे हैं, बड़े पद पर रहते हुए इस तरह की व्याख्या करेंगे तो लगता है गलत, लोगों में कन्फ्यूजन होगा। एक ही शब्द कहूँगा, अगर एक अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा संचालन में आएगा उसके साथ यही होगा। सर, कि गृहमंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं 25 फरवरी को बिहार, लगता है कि चुनावी शंखनाद जो है वो शुरू हो जाएगा लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए ऐसा है ना कि हमारे नेता हर एक प्रदेशों में अनवरत प्रयास करते रहते, सालों भर प्रयास करते हैं, उसी क्रम में है। अभी तो चुनाव का तो बहुत दूर है, 1.5 साल 1.5 साल अभी तक, अभी संगनाथ करने के क्या थूक है? वो तो एक जनरल मीटिंग बैठना, कार्यकर्ताओं से आना, हमारी परंपरा रही है। सर, अपने शराबबंदी को लेकर कई बातें कही, क्या लगता है कि शराबबंदी पर पुनर्विचार करने की जरूरत है या खत्म करने की जरूरत है? देखिए, पुनर्विचार होगा तभी तो खत्म होगा, इसलिए इस पर उनको बैठना चाहिए, नीतीश जी को अपनी गलती कबूल करनी चाहिए, इसको समापन की तरफ ले जाना चाहिए, फिर से नया बिहार की रचना के बारे में उनको सोचना चाहिए। क्यों, मतलब क्यों खत्म करने लगता है कि प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहा? देखिए, बहुत से कारण हैं ना। इस शराबबंदी बिहार को कम से कम जब से लागू हुआ तब से 20-25% नीचे चला गया बिहार, सभी प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, अब बिहार आपस में उलझ के नीचे चला जा रहा है, इस पर विचार करें ना। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सामाजिक सुधार हुआ है, जीविका दीदी से वो बात कर, सामाजिक सुधार हुआ है तो जाके क्यों ये सैकड़े लोगों की जान जा रही है? इसका मतलब है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर है, उनका लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है। नहीं, तो कहते हैं कि जहरीली शराब पिएगा तो मरेगा, ये तो कहते हैं, तो ये तो एक मुख्यमंत्री का भाषा नहीं सुन के इसी से तरस आती है कि जो जिसकी सोच इस तरह की है वो सरकार क्या चलाएगा, इसलिए सरकार चलाने में ही वो खुद अब अक्षम है, चला नहीं पा रहे हैं। तो क्या आप लोग की सरकार आएगी तो क्या इसको खत्म करेंगे? देखिए, जब सरकार आएगी उस समय बात करेंगे ना, अब जब कुरीतियाँ गिना रहे हैं तो उस समय भी जब सरकार आएगी तो उस समय दिमाग में ही होगा ना कि हमारी क्या कुरीतियाँ है, क्या गलती है, हम उसको सुधारेंगे। जब नई सरकार आएगी तो नए ढंग से बिहार को सोचेगी। बिल्कुल, गोपाल नारायण सिंह जो पूर्व के बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, इन्होंने मांग भी किया है कि शराबबंदी जैसे जो कानून है उसको जो है जल्द से जल्द खत्म करनी चाहिए और उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। कैमरा मैन सुनील के साथ अनीश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।